दून में आयोजित प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में सीएम ने की शिरकत। बोले सीएम, रोजगार के अलावा सांस्कारिक होनी चाहिए शिक्षा। मसूरी दौरे पर रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, एलबीएस अकेडमी में अफसरों को किया संबोधित, वापस लौटे किरण रिजिजू। हल्द्वानी में होने वाली बीजेपी कार्यसमिति की बैठक पर इंदिरा का हमला, कहा 8 महीने में प्रदेश में नहीं हुआ कोई विकास, 16-17 को होनी है बैठक। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, राज्य सरकार पर निकाली भड़ास। सूत्रों के हवाले से खबर, अप्रैल महीने में हो सकते हैं निकाय चुनाव, राज्य के 92 नगर निकायों के लिए होगी वोटिंग, अंतिम दौर में पहुंची राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी। उत्तरकाशी के गंगोत्री का वैली ब्रिज ढहा, घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचे डीएम, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। और बनबसा में एक भांजे ने मामा के घर और जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित ने लगाई खाकी से इंसाफ की गुहार, गुदमी इलाके की घटना। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं विपुल सिंह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून में प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि शिक्षा का संबंध केवल रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा को रोजगार परक होने के साथ सांस्कारिक होना जरूरी है। शिक्षा सकारात्मक जीवन और सोच प्रदान करने वाली होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मन में आशा और विश्वास होना जरूरी है, ये शिक्षा के रचनात्मक संस्कार से ही संभव है। विकास के लिए समाज के पिछड़े वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है, ये शिक्षा के स्तर से ही सुधार संभव है। उन्होंने कहा, भारत शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से ही अग्रणी रहा है, शिक्षा के स्तर को जितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा उतनी ही तेजी से देश और प्रदेश का विकास होगा। तो आपको बता दें कि शिक्षा को सिर्फ रोजगार परक नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा के जरिए संस्कार भी दिए जाने चाहिए, ये कहा गया। आपको बता दें मुख्यमंत्री की तरफ से, आपको बता दें कि सेमिनार में शिरकत की थी मुख्यमंत्री ने और इसमें प्रधानाचार्य और अध्यापक सम्मिलित हुए थे, उन्हीं को लेकर के सेमिनार था। तो इसको लेकर के जो है आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि सिर्फ रोजगार परक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि संस्कार पर भी जोर देना चाहिए। ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, इसको लेकर के जो है अध्यापकों को सजग होना चाहिए। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेमिनार में शिरकत की, जहां पर तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने बातचीत की, खासतौर से अध्यापकों को जो शिक्षा में संस्कार ज़रूरी होने चाहिए इसको लेकर के बात की गई। तो आपको बता दें प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन द्वारा इस सेमिनार को आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। शिक्षा नीति है वो तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये सेमिनार हो रहा है, ये इसमें तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें राज्य के जो विद्यालय हैं, उसके अलावा हिमाचल से, दिल्ली से भी और अन्य राज्यों से भी कुछ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मैं तो शुभकामनाएं देने के लिए आया था और उनका जो योगदान है राज्य के लिए उसके लिए उनका धन्यवाद करना। उत्तराखंड सरकार काबिल महिला समूहों पर मेहरबान हुई है। पिछली सरकार ने महिला समूहों को इंदिरा अम्मा भोजनालय सौंपे थे और आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्यान्न वितरण का काम दिया था, तो त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य में महिला समूहों को एलईडी बल्ब वितरण करने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। बल्ब वितरण करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह को मानदेय भी दिया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर इसका ऐलान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। आपको बता दें वो NGC ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए किया। ओरिडा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में वैकल्पिक ऊर्जा के बेहतर प्रयोग पर चर्चा की गई, ताकि आम आदमी ऊर्जा की उपयोगिता को बखूबी समझ सके।
तो आपको बता दें ऊर्जा संरक्षण दिवस पर एलईडी बल्ब बांटे गए, महिला समूहों पर को जो है एलईडी बल्ब वितरण करने के लिए दिए जाएंगे, इसके लिए उनको मानदेय दिया जाएगा। ऊर्जा किस तरीके से बचाई जाए इसको लेकर के आपको बता दें कि ये सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें कि तमाम लोग सम्मिलित हुए थे, खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, और ऊर्जा संरक्षण के लिए एलईडी बल्ब वितरित किए गए जिसमें कि ऊर्जा कम लगती है, और इसको लेकर के आपको बता दें केंद्र सरकार की भी ये महत्वाकांक्षी योजना थी, और प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र लगातार करते रहे हैं कि सामान्य बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जाए जिससे कि ऊर्जा बचाई जा सकती है। सबसे अच्छी बात ये कि बच्चों ने अपने घरों का ऊर्जा ऑडिट किया बच्चों, ताकि पता चले कि हम किस तरह से ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से उस इस्तेमाल किया जा सकता है और कहां पर हम लोग ऊर्जा बचा सकते हैं। ये तमाम तरह के जो भाव हैं ये बच्चों के मन में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बच्चे ये भी सीखेंगे कि हम में भी एक असीम ऊर्जा हमारे अंदर भी भरी हुई है, हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री किरेन रिजिजू आज मसूरी दौरे पर रहे, जहां किरेन रिजिजू ने एलबीएस एकेडमी के 92 फाउंडेशन कोर्स में शिरकत की। फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी आईएएस अधिकारियों और फेज 3 के अधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया। राज्य गृह मंत्री किरेन रिजिजू ने गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएँ हैं वे हर प्रदेश तक पहुँचती हैं तो उसका प्रभाव तो होता ही है। साथ ही कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद है उस मामले पर बताते हुए उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय उसको देख रहा है। राज्य गृह मंत्री किरेन रिजिजू अपनी एलबीएस एकेडमी दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे देश में आईएएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और युवा आईएएस अधिकारियों को अपनी बात बताने में और उसे सुनने में अच्छा लगता है। साथ ही राज्य गृह मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें मसूरी बहुत पसंद है। तो कई विषयों को बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि किरेन रिजिजू उन्होंने कुलभूषण जाधव के बारे में कहा कि विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले को देख रहा है, 25 दिसंबर को उनका परिवार कुलभूषण जाधव से मिलने जाएगा। आपको बता दें इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो नए आईएएस हैं उनसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है। उपेंद्र देखवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, किरेन रिजिजू एलबीएस एकेडमी में पहुँचे हुए थे, कई विषयों को लेकर के बातचीत की, चाहे वो कुलभूषण जाधव का मसला हो, चाहे वो नए उभरते आईएएस का मसला हो, क्या कुछ मुख्य बातें निकल करके आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किरण रिजिजू जो आज मसूरी दौरे पर थे एलबीएस अकादमी, उनका व्याख्यान होना था। हालांकि हम जब पोलो ग्राउंड हवाई अड्डे पे पहुंचे तो वहां पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उनसे बात भी की, तो उनका साफ कहना था कि हिमाचल हो चाहे गुजरात है, दोनों जगह चाहे बीजेपी की सरकार वापसी करेगी और केंद्र सरकार की नीति से प्रभावित होकर लोगों ने जो है मतदान जो है बीजेपी के फेवर में किया है, हालांकि कुछ भी दावे करते रहे कोई कांग्रेस पार्टी या अन्य। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मसूरी उनको शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है और वो बार बार यहाँ आते रहते हैं, वो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं जब वो एलवीएस अकादमी में पहले भी वो व्याख्यान दे चुके हैं, तो आज उनका व्याख्यान था यहाँ पर और उन्होंने जो है एलवीएस अधिकारियों को जो अधिकारी है वहाँ पर जो ट्रेनिंग अधिकारी है उनको संबोधित करते हुए कहा कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो आम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो ये उनका व्याख्यान रहा। जी बिल्कुल जी, आपसे एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कुलभूषण जाधव के विषय पर भी उन्होंने कुछ बातचीत की क्या? और क्योंकि ये मामला बड़ा ही महत्वपूर्ण सेंसिटिव भी है, 25 तारीख को अब परिवार जो है कुलभूषण जाधव का उनसे मिलने जा रहा है, उनकी धर्मपत्नी और माँ को इजाजत दी गई है, इस पर क्या कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, कुलभूषण जाधव के बारे में जब हमने जानना चाहा कि भारतीय नागरिक जो है पाकिस्तान की जेल में बंद है और केंद्र सरकार किस तरह का उनको बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने उनको जो है फांसी की सजा सुनाई है, तो उन्होंने कहा विदेश मंत्रालय जो है इस पर पूरी पैनी नजर बनाई हुई है और सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि जो भी हो सकता है वो प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं दिलाया कि क्या करे, लेकिन इतना जरूर कहा कि विदेश मंत्रालय इस पर पैनी नजर बनाए हुए। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। वो तो कहने वाली बात नहीं है, केंद्र सरकार का जो भी स्कीम कार्यक्रम जो भी चला रहे हैं वो हर स्टेट हर कोने तक पहुंचते हैं, उसका प्रभाव तो होता ही है। अभी तो मैं मसूरी में आया हूं और यहां जो आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के जो स्कीम्स है कितना
प्रभावी ढंग से चल रहा है तो ये तो इसका प्रभाव तो होगा ही। सर कुलभूषण यादव जो कि पाकिस्तान की जेल में है, भारत सरकार का किस तरह का प्रयास है? अभी वो विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही इसका हम लोग देखते हैं, इसको मैं अभी कोई कहना नहीं चाहूँगा। यहाँ IAS ऑफिसर्स के जो अंडर ट्रेनीज हैं और फेस 3 के कुछ ऑफिसर्स हैं उनको मैं एड्रेस करने आया हूँ। और हमारे देश में IAS ऑफिसर्स का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनका फाउंडेशन कोर्स अभी अभी ख़त्म हुआ, अभी इनका प्रोफेशनल कोर्स शुरू हुआ, तो इसको एड्रेस करने के लिए मैं हर साल आता हूँ। हाँ, पिछली बार भी आए थे उससे पहले भी आए थे, इस बार भी आया हूँ। तो मैं जो यंग ऑफिसर्स है उनको बात करने में और अपना बात बताने में और उनसे सुनने में अच्छा लगता है और उन्हीं के बदौलत भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य को खड़ा करना है, इसलिए मैं मसूरी आया। मसूरी मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और राज्य में हो रही लगातार हड़तालों के मसले पर समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार पर खूब भड़ास निकाली। तो समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में अपनी जमीन मजबूत करने के उद्देश्य से जो है अब वहां पहुंची हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर के जो है ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया और कहा यह गया कि लगातार राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो रही है। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश अब उत्तराखंड में अपने पाँव को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कदम उठाया गया है और तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल। हमने राज्यपाल महोदय जी से आज जब ये राज्य का गठन हुआ था तो उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश की सपना और आज ऊर्जा प्रदेश के ऊर्जा विभाग में ऊर्जा का उत्पादन होने के बजाय तमाम घोटालों का उत्पादन हो रहा है। वो घोटालों का पावर हाउस जैसे बन गया है। हमने करप्शन पर बात करी, सरकार के जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाता हुआ ऊर्जा पावर का घोटाला, NH घोटाला और तमाम अन्य घोटालों पर हमने चर्चा करी। हमने कानून व्यवस्था पर बात करी जहां सरकारी कर्मचारी को ऑफिस में घुसकर पीटा जाता है और आला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमने मृतक आश्रित एक एग्जाम्पल देते हुए मृतक आश्रित जो 9 साल से जो है घूम रही हैं सेवायोजित होने के लिए, उस पर हमने चर्चा करी जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के तत्काल पत्र को हवा हवाई कर दिया जाता है और ये पूरी तरह से जो है सरकारी तंत्र मशीनरी का फेलियर है। अब बात करेंगे बीजेपी कार्य समिति की बैठक की जिस पर अब सियासत धीरे धीरे तेज हो चली है। भले ही 16 और 17 दिसंबर को हल्द्वानी में होने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तरीय बैठक की तैयारियों में लगी हुई हो, मगर नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 8 महीनों में प्रदेश में कोई विकास दिखाई नहीं दिया है, अब ये बैठक करके क्या संदेश देना चाहते हैं। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित होगी। प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट के मुताबिक 16 दिसंबर को प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ आजीवन सहयोग निधि प्रकोष्ठ सहित अन्य संगठनात्मक बैठकें आयोजित होंगी और 17 दिसंबर को प्रदेश कार्य समिति आयोजित की जाएगी जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत सहित 259 प्रदेश पदाधिकारी शामिल भाग लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री भी प्रदेश कार्य समिति में शिरकत करेंगे। अभी तक का तो एजेंडा का कोई निचोड़ निकला नहीं, अब आगे क्या एजेंडा होगा। अभी तो विकास के मामले में शून्य है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन अपने में पैसा भी नहीं है इनके पास, तो अभी तो स्थिति बहुत खराब है, आगे सुधर जाए हम कामना करते हैं। तो आपको बता दें इंदिरा हृदेश की तरफ से हमला किया गया कि पता नहीं किस लिए ये बैठक की जा रही है, विकास की स्थिति, विकास के मसले पर शून्य की स्थिति इस समय बनी हुई है।
इसको लेकर के जो है इंदिरा हृदय की तरफ से कहा गया कि आगे हो सकता है स्थिति सुधरे, लेकिन अभी तक तो स्थिति काफ़ी ख़राब है, शून्य की स्थिति बनी हुई है। तो ये टिप्पणी जो है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की तरफ से की गई है। आपको बता दें 16 और 17 को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होनी है। चलिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक तरफ बीजेपी की तैयारियां कार्य समिति की बैठक को लेकर के और दूसरी तरफ इंदिरा हृदय का हमला, और ये कहा गया कि विकास तो जीरो है, बैठक किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भाजपा की कार्य समिति की बैठक जो हर 3 माह में भाजपा के संगठन की तरफ से रखी जाती है वो 16 और 17 दिसंबर को हल्द्वानी में ही होनी है, और एक निजी ये होटल में ये कार्य समिति की बैठक भाजपा के संगठनात्मक जिले जो जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से की जाएगी। और पिछले 3 महीने के कार्यकाल में जो भाजपा की तरफ से क्या कार्रवाई रही उसका यहाँ पर लेखा जोखा यहाँ पर तैयार होना है, और आने वाले 3 समय के लिए 3 महीने में क्या यहाँ पर भाजपा का संगठन करने वाला उस पर यहाँ कहीं ना कहीं चर्चा होगी, उसको लेकर ये कार्य समिति की बैठक होनी है। और जिसको लेकर के विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावार हो चुका है इस बैठक पे, और जो आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय का साफ बयान आया कि बैठक भले ये लोग करते हैं कार्य समिति के एजेंडा तैयार करते हैं, लेकिन एजेंडा इसलिए शून्य है कि कुछ विकास कार्य प्रदेश के अंदर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी विपुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंदिरा हृदय के इस वार पर कोई पलटवार आया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल विपुल, मैं आपको बता दूं कि जो आज बयान इंदिरा हृदय ने इस कार्य समिति की बैठक पर दिया है, और अब इसके बाद बयान आना लाजमी इसमें भी होगा क्योंकि संगठन की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा इसको मानती है, जिसमें यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन के नेता है भाजपा के वो इसमें मौजूद रहेंगे। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिन तक हल्द्वानी में रहने वाले हैं, और इतनी महत्वपूर्ण बैठक में अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो बयान आना लाजमी होगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई बयान नहीं आया। लेकिन आगे कल के समय हम देख सकते हैं कि इस पर बयान कोई बड़ा इस बैठक पे इस इंदिरा हृदय के बयान पे कोई ना कोई बयान आना लाजमी रहेगा। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। तो 16 और 17 दिसंबर को हल्द्वानी में भाजपाइयों का जमावड़ा लगने वाला है, लिहाजा तमाम मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी उस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाएगा और संगठन सिपाहियों का भी। इसके अलावा क्या कुछ रहने वाला है वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जो 3 महीने पहले काम किए थे वो कामों का क्या परिणाम रहा, हमारे जिलों ने उनको कहां कहां तक करने में सफलता पाई है वो अपना वृत्त देंगे। जो 3 महीने की कार्य योजना थी उसमें कितना उन्होंने किया है, और आगे जो एजेंडा में हम तय करेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम 3 महीने के लिए देने वाले हैं, तो 3 महीने के लिए जो देने वाले कार्यक्रम है उसको भी हम वहां घोषित करते हैं। 16 और 17 दिसंबर को उत्तराखंड भाजपा के सूबाई दिग्गजों का हल्द्वानी में जमावड़ा लगने वाला है। होने वाली कार्यकारिणी बैठक का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये रहने वाला है कि भाजपा आगामी 3 महीनों के कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करेगी, ताकि अब डबल इंजन की गाड़ी कुछ और आगे बढ़ सके। मकसद बिल्कुल साफ है कि अगले साल अप्रैल में होने वाले निकाय चुनाव में एक बार फिर जीत कर न सिर्फ परचम लहराया जा सके, बल्कि इन चुनावों में त्रिवेंद्र की साख जहां दांव पर लगी होगी तो वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीने मरने की लड़ाई होगी। कहने वाले कह रहे हैं कि जहां संगठन के सिपाही अपने कामकाज को सामने रखेंगे तो वहीं त्रिवेंद्र सरकार के सिपहसालार भी अपने कामों को दिग्गजों के सामने रखेंगे, ताकि इस रिपोर्ट को सीधे दिल्ली तक पहुंचाया जा सके। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी जानकारी के लिए वो अपनी जानकारी हमारे डेलीगेट्स को देंगे, जो उत्तराखंड के पूरे हमारे साथी आ रहे हैं, जो उत्तराखंड का नेतृत्व है कार्य समिति के अंदर, उनको जानकारी देंगे कि उनने 7-8 महीने में क्या क्या कार्य किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम हमारे मिनिस्टर्स ने किए हैं, तो वो वृत्त भी इस बार हम अपने डेलीगेट्स को सुनवाएंगे, ताकि हमारे डेलीगेट्स निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक सारे विवरण को, विकास कार्यों के विवरण को जो आज तक किया है उसको ले जाएंगे और सबको जानकारी देंगी। अगले 3 महीने राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में सूबे की सियासी सूरत बदलती जरूर दिखाई देगी।
डबल इंजन की सरकार को बने हुए भले ही अभी 8 महीने पूरे हो चले हों, मगर इन महीनों में सरकार ने विपक्ष के हाथों में दर्जन भर ऐसे मुद्दे थमा दिए जिसकी वजह से विपक्ष के योद्धा हर दूसरे दिन सरकार की सांसें फुलाए हुए हैं। चाहे वो लोकायुक्त की नियुक्ति पर लड़ाई हो या फिर तबादला एक्ट पर तकरार, शराब पर सियासी शोर या फिर NH-74 पे कथित घोटाले पर छिड़ा घमासान, कर्ज में दबे किसानों की आत्महत्या पर आर पार की जंग, लगातार गर्म होता हुआ गैरसैंण, गन्ने किसानों के बकाया पर सियासी बवाल, ऐसे न जाने कितने गर्मा गर्म मुद्दे हैं जो सूबे की सियासी कढ़ाई में लगातार तले जा रहे हैं, जिन पर न जाने इन महीनों में कितनी बार घमासान मच चुका है और राज्य की राजनीति में सियासी सुनामी आ चुकी है। लिहाजा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में अगले 3 महीनों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जिसमें ये तय होगा कि अब संगठन सिपाही से लेकर सरकार के सिपा सालार किस तरह से अपने अपने काम के जरिए आगे बढ़ेंगे, ताकि विपक्ष के हर वार को निस्तनाबूद किया जा सके। एजेंडा तो हमारा 16 तारीख को तय होता है, प्रदेश कार्य समिति के लोग बैठते हैं, तो मोटी मोटी ये है कि हम लोग 25 तारीख से जो अपना आजीवन सहयोग निधि का एक कार्यक्रम चला रहे हैं 26 जनवरी तक, तो वो भी उसमें प्रमुख एजेंडा रहेगा, विकास कार्य उसमें प्रमुख एजेंडा रहेगा। खैर, ये भाजपा की सेहत के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि भले ही विपक्ष के खिलाड़ियों की संख्या महज 11 हो, मगर विपक्ष के ये 11 योद्धा हर बार कह चुके हैं कि भले ही उनकी संख्या 11 पर आकर सिमट गई हो, मगर सत्ता पक्ष उन्हें कमजोर समझने की हिमाकत कभी ना दिखाए। इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी की हो रही ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सरकार के कामकाज को जनता की चौखट पर पहुंचाना और संगठन की कमजोर दीवार को मजबूती देना और विपक्ष के हमले को रोकना जैसे अहम विषयों पर मैराथन मंथन होने वाला है। खैर, वैसे ये हर सियासी दलों के लिए इस तरह की बैठकें होती रहती हैं। हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं है, मगर सियासी दूरबीन से देखा जाए तो भाजपा की ये बैठक कई मायनों में अहम साबित होने वाली है। कैमरामैन सुमित डबराल के साथ प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। इधर उत्तराखंड में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में उत्तराखंड विधानसभा में 164 अधिकारियों और कर्मचारियों की अवैध तरीके से की गई नियुक्तियों पर दायर की गई याचिका पर नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए सभी 164 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए। वहीं अब इस पूरे मामले पर पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल का बचाव करते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि पूर्व से लेकर अब तक उत्तराखंड में जो भी स्पीकर रहे हैं उन सभी को विधानसभा में नियुक्तियां करने का अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के समय हो या फिर भाजपा की सरकार के समय में हो, और जिस तरीके से सबने नियुक्तियां की हैं उसी तरीके से कुंजवाल ने भी की हैं, लेकिन जिन लोगों को नियुक्तियाँ नहीं मिली हैं उनके द्वारा याचिका दायर की गई है जिस पर कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है जिसका संतोषजनक जवाब दे दिया जाएगा। बीजेपी का क्या आरोप है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सभी को जानती हूँ विधानसभा, उनका कुंजवाल जी का हो सकते हैं कोई दूर से पड़ोसी, जब नौकरी दी जाती है तो अपने शुभचिंतक को तो दी जाती है, इसमें क्या बुरी बात है, खूब जांच कराए में क्या फर्क पड़ता है, अब फिर अपनी भी जांच कराए, फिर प्रकाश पंत से लेकर अब तक जो नियुक्तियाँ होंगी उनकी भी जाँच हम करवाएंगे। कुमाऊं के श्री खुशीराम की 131वीं जयंती के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने खुशीराम पार्क में ब्रिटिश काल में किए गए संघर्ष को याद किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राय बहादुर स्वर्गीय परिप्रसाद हरिप्रसाद टमटा पार्क का भी अनावरण करते हुए हरिप्रसाद टमटा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में कुमाऊं के श्री खुशीराम द्वारा शिल्पकारों के उत्थान के लिए किए गए संघर्ष को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। ये दोनों ही उत्तराखंड के लिए संदेश देने वाले थे और इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में अपनी आहुति दी, बलिदान किया और लोगों को रास्ता दिखाया, इसलिए आज हमने हरिप्रसाद टमटा जी की मूर्ति का अनावरण किया और अभी उस तरफ चल के पार्क में खुशीराम जी की जयंती के बारे में बात करेंगे।
चलिए फिलहाल उत्तराखंड लाइव में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। दून में आयोजित प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय सेमिनार में सीएम ने की शिरकत। बोले सीएम, रोजगार के अलावा संस्कारिक भी होनी चाहिए शिक्षा। मसूरी दौरे पर रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, एलबीएस अकादमी में अफसरों को किया संबोधित, वापस लौटे किरण रिजिजू। हल्द्वानी में होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक पर इंदिरा का हमला, का 8 महीनों में प्रदेश में नहीं हुआ कोई विकास, 16-17 को होनी है बैठक। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, राज्य सरकार पर निकाली भड़ास। सूत्रों के हवाले से खबर, अप्रैल महीने में हो सकते हैं निकाय चुनाव, राज्य के 92 नगर निकायों के लिए होगी वोटिंग, अंतिम दौर में पहुंची राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी। सूत्रों के हवाले से उत्तरकाशी के गंगोत्री का वैली ब्रिज ढहा, घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचे डीएम, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। और बनबसा में एक भांजे ने मामा के घर और जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित ने लगाई खांसी से इंसाफ की गुहार, गुदमी इलाके की घटना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर के स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कांग्रेस द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे बीजेपी सरकार के खिलाफ अभियान को हास्यास्पद बताते हुए पलटवार किया। रामनगर रोड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों बीजेपी ने यूपी निकाय चुनाव में जीत हासिल करके ये साबित कर दिया कि जनता आने वाले समय में बसपा, सपा और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुकी है। मोदी में देश की जनता का विश्वास है, जनता देश का प्रारूप बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए, केवल चीख पुकार से कभी घर पूरा नहीं होता, घर आत्मचिंतन से पूरा होता है। हल्द्वानी में चेक होने के बाद फिर हल्द्वानी वालों ने कहा कि साहब हमारा जो पार्ट है ये इन्होंने डीपीआर बनाया, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, बट रेलवे वाले देखेंगे। विधायक चीमा ने पिछले दिनों हरीश रावत के NS-74 घोटाले जांच में काशीपुर में दिए गए बयान पर दावा होते हुए कहा कि इसकी जांच बहुत बारीकी से हो रही है, अफसरों की भी गिरफ्तारी हो रही है। घोटाले में जांच काशीपुर और जसपुर से आगे नहीं बढ़ने के बयान पर उन्होंने कहा हरीश रावत के हाथ में कुछ नहीं है, वो विपक्ष में है, उनके हाथ में कोई पद तक नहीं है, वो आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। इसके इस जांच के में 3 चीजें हमने, ये जांच किसी और ने नहीं बिठाई थी, हमने बिठाई थी, SIT हमने गठित की थी, और उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट NHAI के अधिकारी भी है, माल तो वहीं से गया है, समझ रहे ना, माल जिसका गया है तो जो जिसका माल लूटा है उसके जो यहाँ चौकीदार थे उस चौकीदार से भी तो पूछताछ होगी ना, तो ये चौकीदार क्यों बाहर कर दिया गया जांच से, पहला सवाल ये है, ये किसके कहने पर हुआ, मेरी बात क्लियर हुई ना? जी जी जी। माल तो वहां से जा रहा है भारत सरकार से, और उनका चौकीदार यहाँ जो थे उन चौकीदारों को जांच के दायरे से बाहर कर दिया है, उनको पहले एग्जोनरेट कर दिया गया, तो एक तो SIT की जांच को लिमिटेड कर दिया गया, एक किसकी अथॉरिटी से किया गया, हु इज द मैन। 74 करोड़ के ऊपर जो घोटाला हुआ है उसका, उसकी बड़ी गहराई से इस समय जांच हो रही है, और आप देख रहे हैं कि उसमें अफसर भी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, और किसानों को भी ऐसे किसानों को जो इन्होंने जिन्होंने मोटी रकम लेकर के और सरकार के धन को हजम करने का प्रयास किया उनको भी गिरफ्तारियां उनकी भी हो रही हैं, काफी जांच
तेजी से चल रही है, मैं तो ये समझता हूं कि, लेकिन उसके बावजूद अब एनएचआई को अपना काम शुरू करने में कोई दिक्कत ऐसी महसूस नहीं होती। नंबर टू, इसमें जो ये एक दिन की अकरेंस नहीं है, जो प्रारंभिक तौर पे कमिश्नर ने कहा कि ये सतत, ये लंबे समय से चल रहा था। तो अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये किस सन तक जा रहे हैं जांच करने, 2011 किस सन तक जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो आर्बिट्रेशन के फैसले हैं, क्या वो भी एसआईटी की जांच में है? देखिए, अब हरिद्वार में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार की नीतियों और कई मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी नेताओं की ओर से सरकार पर सवाल दागने का सिलसिला जारी है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अमरीश कुमार ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक पर जुबानी हमला किया। अमरीश कुमार ने कहा कि बरसात के मौसम में हरिद्वार शहर को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। मुद्दा तो सबसे बड़ा जल आपलावन का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, और मंत्री जी ने परसों उसकी शुरुआत की। और बेहद खेद इस बात का है कि उन्होंने जो योजना प्रस्तुत की या जिसके निर्देश दिए वो अव्यवहारिक है, अप्राकृतिक है, और ये असंभव है, वो काम हो नहीं सकता। उसमें कई बिंदु ऐसे हैं कि आधा पैसा केंद्र सरकार देगी, आधा पैसा प्रदेश सरकार देगी। मंत्री जी इस बात का जवाब तो, जब इतना पैसा है केंद्र सरकार के पास, तो केदारनाथ के लिए ट्रस्ट बना कर पैसे इकट्ठा क्यों किया जा रहा है, और केदारनाथ में लोगों का पैसा क्यों लगाया जा रहा है? सरकार लगाए पैसा नहीं कि भाई उल्टा हरिद्वार और बीएचएल की तरफ तो पानी जा नहीं सकता, आएगा तो ढलान में ही। तो इसकी ऐसी योजना बने कहीं भी पानी ना भरे। और मैंने दो बात कही है नगर निगम से संबंधित, नगर निगम का औचित्य क्या है, मैं माननीय मंत्री जी से और मेयर साहब से पूछना चाहता हूँ। बीजेपी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। हरिद्वार में बीजेपी के जिला कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें हरिद्वार बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में निकाय चुनाव पर चर्चा की गई और पार्टी को बड़ी जीत दिलाने के लिए रणनीति भी तय की गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि वो बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे निकाय चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत मिले। साथ ही साथ हमें किस तरह से पार्टी को आगे ले जाना है, किस तरह से हम सबको मिलकर के काम करना है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के हमने चर्चा की। और मैं समझता हूँ कि चूंकि सभी नई टीम गठित हुई है और इसमें लगभग जितने भी मेरे साथी सहयोगी हैं वो नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, तो मुझे लगता है कि हम दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी को सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ाने का। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी। इसके तहत भारत तिब्बत सीमा से जुड़े सीमांत जनपद जमोली में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 60,387 खाते खोले गए। इनमें से 70% से अधिक ग्रामीण ऐसे हैं जिनका किसी बैंक में खाता नहीं था। इस योजना के शुभारंभ पर गरीब ग्रामीणों द्वारा जीरो बैलेंस से खाता खोला गया, जिसमें उनमें की खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्वार गांव के जगत सिंह, देवलधार के दिलीप व धीरज लाल का कहना है कि उनके पास बैंक में खाता खोलने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इस योजना से उन्होंने भी बैंक तक पहुँच बनाई है। अब उनके खाते में गैस की सब्सिडी सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, पेंशन, मनरेगा, मजदूरी सहित अन्य पैसा पहुंच रहा है। योजना के चलते उन्हें अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। चमोली जिले में अब तक 60,387 खाते खोले गए हैं। जनपद चमोली में अगस्त 2014 से जनधन खाता खोलने की योजना प्रारंभ हुई। अगस्त 2014 से लेकर 30 नवंबर 2017 तक जो प्रचलित खाते हैं, जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, उनकी संख्या 60,387 है। लगभग 10%, 6,000 के आसपास के खाते किसी तकनीकी कारण से, आधार इत्यादि के न होने के कारण बैक एंड से बंद हो गए हैं। जनधन योजना है, इसमें गरीब से गरीब तबके के लोगों का अकाउंट खोला गया है जीरो बैलेंस में, जिसमें उनको एक खाते की सुविधा दी गई है। जीरो बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं अपने खाते में,
और इसमें आगे चल के इनको 5,000 रुपये का अगर ये व्यवहार करते हैं, इनका ट्रांजेक्शन अगर अच्छा रहता है तो इनको 5,000 की कोड लिमिट भी दी जाती है। इधर आपको बता दें, आज सुबह उत्तरकाशी से एक बुरी खबर आई है। खबर यह आई कि उत्तरकाशी का गंगोरी वैली ब्रिज टूट गया और सवालों में जिम्मेदार अधिकारी भी आ खड़े हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बारह की आपदा के बाद पुल जो टूट गया था, तो उसके बाद बैली ब्रिज बीआरओ के द्वारा बनाया गया था। तो आज सुबह लगभग 6:30 बजे के लगभग इसके ऊपर ट्रकों की आवाजाही, लोडेड ट्रक जैसे ही जा रहा था तो वो तुरंत गिर पड़ा पुल, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया पुल यहाँ पे अभी तक नहीं बन पाया। सुबह तड़के 6:30 बजे के करीब जैसे ही दो ट्रक साथ गंगोरी पुल से गुजरे, पुल चरमरा कर भाग से नदी के ऊपर लटक गया। असी गंगा पर उत्तरकाशी को चीन सीमा से जोड़ने वाले पुल के टूटने से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सारे अहम काम अधर में लटक गए। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए रसद पहुंचाने का काम हो, या स्कूली बच्चों को ले जाना हो, या नदी पार की जनता को जिला मुख्यालय से संपर्क साधना हो, सबके सब त्रिशंकु की तरह लटक गए हैं। गौरतलब है कि साल 2012 की आपदा में असी गंगा में आई विनाशकारी बाढ़ ने गंगोरी पुल को लील लिया था। 3 अगस्त 2012 की बाढ़ की भेंट चढ़े पुल के विकल्प के तौर पर बीआरओ ने एक वैली ब्रिज को तैयार किया। काम चलाओ पुल के भरोसे ही तब से लेकर अब तक काम चला के समय पे, उसके बाद इस पे कोई खास काम नहीं हुआ, जो कि जैसे नट खींचना हुआ, गाड़ी को ब्रेक करना रोकना हुआ कि एक बार में एक गाड़ी जाए। पुलिस सिर्फ जो 10 से 5 का टाइम था वही था, बाकी लोग जैसे अभी सुबह प्रातःकाल ट्रकों का जो अंबार था इसी तरह से चलते जाते, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ था 14 से 18 टन था, लेकिन लोग एकदम लापरवाही कर रहे थे और जिसका कारण ये था कि पुल का टूटना। यहाँ तक कि जिस चारधाम यात्रा को राज्य की रीढ़ माना जाता है, उसके अहम हिस्से गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए भी यात्रियों को इसी वैली ब्रिज के सहारे पार करवाया गया। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिस्टम उत्तरकाशी को पक्का पुल मुहैया नहीं करवा पाया। उधर प्रशासन ने पुल टूटने का ठीकरा सीमा सड़क संगठन के सिर पर फोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौके पर पहुंचे एसडीएम देवेंद्र नेगी ने इस नुकसान का जिम्मेदार बीआरओ को ठहराया है। दरअसल ब्रिज पुल से एक बार में सिर्फ एक वाहन को गुजरने की हिदायत है, लेकिन बीआरओ ने इसकी सलीके से निगहबानी नहीं की। नतीजा सबके सामने है। हालांकि जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और एसडीएम जांच करेंगे। एडीएम बन रहा है, एडीएम की अध्यक्षता में होगा और ऐसे ही उनको सपोर्ट करेंगे। इसमें रिस्टोर करने के लिए प्लान कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वॉर फुटिंग पे इसको किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस जिले के पड़ोस में चीन जैसा पैतरेबाज पड़ोसी हो, उस जिले में संसाधनों की ऐसी अनदेखी क्यों? कितने गजब की बात है, चीन सरहद पर सटा तक सड़क ले आया, जबकि हम है कि 5 साल में एक ऐसा पुल नहीं बनवा पाए जो स्थानीय महत्व का तो है ही, सामरिक नजरिए से भी अहम है। हेमंत नौटियाल, जैन टीवी, उत्तरकाशी। इधर रुड़की विकास खंड इन दिनों धरना प्रदर्शनों का अड्डा बना हुआ है। कुछ दिन पहले ग्राम प्रधान अपनी मांग को लेकर रुड़की ब्लॉक में धरना दे रहे थे और अब गांव की जनता ग्राम प्रधान के खिलाफ ब्लॉक परिसर में धरने पर है। आपको बता दें कि रुड़की ब्लॉक के गांव मंगेड़ी महावतपुर में शौचालय की रकम में गड़बड़ी को लेकर ग्रामवासी ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि गांव में जो शौचालय बनाए गए हैं उनमें ग्राम प्रधान ने गरीब गाँव वालों से कमीशन खाई है, साथ ही पक्षपात का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी ग्रामीण अफजाल का कहना है कि ग्राम प्रधान ने अपने लोगों के घर में शौचालय बनवाए हैं और जो शौचालयों के पात्र थे उनके शौचालय नहीं बनाए गए। इसकी शिकायत उसने विकास खंड अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम प्रधान के इस काले खेल में
ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। वहीं ग्राम प्रधान ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सितारगंज के औद्योगिक नगरी में ओरोन हेलमेट कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। पिछले महीने का वेतन में की गई कटौती और एक छुट्टी के एवज में दो दिन की सैलरी काटने के विरोध में ये हड़ताल की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 16 दिसंबर को सितारगंज जा रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी ने कमेटी मुख्यमंत्री का विरोध करेगी। चीनी मिल को सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर लाने के विरोध में कर्मचारी और किसान भी मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री सितारगंज दौरे पर रहेंगे। इसके विरोध में लगातार आपूर्ति चल रहा है चीनी मिल कर्मचारियों का धरना, जिसमें कि किसान और कांग्रेस ने अपना अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा मुख्यमंत्री के विरोध करने का उन्होंने फैसला लिया। खटीमा के ग्राम मुडेली में ग्रामीण महिलाओं ने आबादी के बीच खुली शराब की दुकान का विरोध किया। आक्रोशित महिलाओं ने शराब की दुकान में जमकर बवाल काटा और नारेबाजी करके आबादी के बीच से दुकान हटाने की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि रोड के किनारे बस्ती के बीचों बीच कई अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं, जिससे गाँव के छोटे छोटे बच्चे नशे की गंदी लत का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही आबादी के शराब की दुकान नहीं हटी तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इधर पौड़ी पहुंचे गढ़वाल रेंज के डीआईजी पुष्पक ज्योति ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के एसएसपी एसपी की अपराध नियंत्रण संबंधी बैठक पौड़ी कार्यालय में ली। कितने अपराध केस में सुलझा लिए गए हैं और कितने लंबित हैं, इसके बारे में जानकारी ली गई। साथ ही लंबित केस को जल्द सुलझाने के निर्देश भी दिए गए। डीआईजी गढ़वाल पुष्पक ज्योति ने बताया कि हत्या केस को सुलझाने में पुलिस की रिपोर्ट पिछले साल के मुकाबले सही रही है। पिछले साल जहां हत्या अपराध का ग्राफ 94 पर था, तो वहीं इस साल 91 पर पहुंचा है। वहीं डकैती की घटनाओं को भी सुलझाया गया है। एक आध इम्पॉर्टेंट केसेज हुए हैं, जैसे रुड़की में शूट आउट हुआ, लेकिन पुलिस का अच्छा काम यह है कि 2-3 घंटे में हमने सारे क्रिमिनल राउंड अप कर लिए, जो कि पहली घटनाओं में इस तरह का कहीं नहीं हुआ। इवन पूरे देश में भी निगाह डालें तो शायद ऐसे कुछ ही केस हुए होंगे जो शूट आउट के तुरंत बाद मैं असलहे और बड़ी सफाई से पुलिस उनको पकड़ ली। जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस की निष्क्रियता के चलते वो आए दिन घटनाओं को अंजाम देने में कोई गुरेज नहीं कर रहे। बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने मुख्य बाजार में एक व्यापारी से तमंचे की नोक पर लूट का प्रयास किया। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने SSP डॉक्टर सदानंद दाते से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार निवासी रवि सिदाना अपनी दुकान बंद कर मीरा मार्ग की ओर जा रहा था। इसी दौरान दो बाइक सवार वहां पहुंचे और उनके हाथ से बैग छीनने का प्रयास किया गया, जिस पर उप बदमाश तमंचा लहराते हुए वहां से फरार हो गए। कल रात की ये घटना है, जब विनोद पुस्तक भंडार से जो उनके ओनर है रवि सिदाना, जब दुकान बंद करके जा रहे थे तो दो युवक उनमें आए और उनका जो बैग छीनने का उन्होंने प्रयास किया। इस दौरान इनके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया, तो वो बैग छीनने में असफल होने पे उनके द्वारा तमंचा भी दिखाया गया, लेकिन इसने काफ़ी बहादुरी से काम करते हुए इसने इसको पूरे प्रयास को विफल कर दिया। पुलिस फिलहाल उस मौके पे पहुंचने के उपरांत वहां पर जो CCTV फुटेज वगैरह उसको खंगाल रही है, तथा जो पुराने इस तरह के क्रिमिनल्स हैं उनको भी देख रही है। काशीपुर में SP कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में काशीपुर क्षेत्र के सभी स्टोन क्रशरों के मालिकों के साथ SP और CO काशीपुर ने बैठक की। बैठक का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना था। बैठक में उपस्थित सभी स्टोन क्रशर के मालिकों को अपने यहाँ स्टोन क्रशरों पर CCTV लगवाने और उसकी डिटेल प्रत्येक हफ्ते DM कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी से अवैध खनन नहीं किए जाने की हिदायत भी दी गई। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। खनन शुरू होने के बाद कोसी क्षेत्र में मुकुंदपुर, अजीतपुर और बेगमाबाद इलाके में कुछ अवैध खनन की शिकायतें आई थी,
एक माह पूर्व डीएम उधम सिंह नगर, एसएसपी उधम सिंह नगर और रामपुर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य स्थानीय जो स्टोन क्रेशर मालिक थे उनके साथ एक वार्ता भी हुई थी और उनको ये निर्देश दिया गया था कि अवैध खनन में वो संलिप्त नहीं रहेंगे। इसके बावजूद इस ढंग की घटनाएं वहां पर सामने आई हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। जितने भी स्टोन क्रेशर मालिक हैं उनको बुलाकर ये हिदायत दी गई है कि वो अवैध खनन का कि कोई भी सामग्री वहां पर नहीं खरीदेंगे, अपने स्टोन क्रेशरों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करेंगे और उसका बैकअप और उसकी रिकॉर्डिंग डीएम उधम सिंह नगर को उपलब्ध कराएंगे। अगली खबर बनबसा में है, जहां पर सगे भांजे पर अपने ही मामा को घर और जमीन से बेदखल करने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम गुदमी में स्थानीय प्रशासन और भूमाफियाओं की मिली मगद से सगे भांजे ने मामा की जमीन और मकान पर कब्जा करके मामा को और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, पीड़ित शख्स का कहना है, कुछ दिन पहले ही अपने बड़े बेटे से मिलने कतर गया था। उनका मेरी गैर मौजूदगी में भांजे ने एक स्थानीय भूमाफिया के साथ मिलकर घर और जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित मामा ने बताया कि लिखित शिकायत स्थानीय प्रशासन को दी गई है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पीड़ित अब पुलिस अधिकारी और मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हम गुदमी का निवासी हूँ और यहाँ तो कई एक साल से, मतलब हमारा माता पिता यहाँ से करीबन 40 साल पहले से यहीं रहते थे और यहाँ हमारे पास करीबन 56-55 बीघा जमीन है। मैं कुछ 4 तारीख को मैं अपना बेटा जो है कतर में जो नौकरी करते हैं उससे मिलने गया हमारा अपना बीबी के साथ, और जैसे मैं वहाँ 3-4 दिन रुक गया था तो 9 तारीख को मेरे को अपने सारा से फ़ोन कॉल में उसने बोल दिया हमको कि ये लोग तुम्हारा घर में कब्जा मार रखा है। जी को काफ़ी समय से जानता हूँ, ये यहाँ रहते हैं, अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। दिनेशपुर के मोतीपुर नंबर 2 में एक कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालन संबंधी जानकारी दी गई, जिसमें मत्स्य पालन विभाग के निरीक्षण ने सभी लोगों को मत्स्य पालन की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। विभागीय योजना की जानकारी के साथ पशुपालन विभाग में कृषि संबंधी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। तो आपको बता दें कि किस तरीके से मछली पालन कराया जाना चाहिए, इसको लेकर के जानकारी दी गई। तमाम विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और लोगों को बताया गया कि मछली पालन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। लक्सरी में पूर्व सभासद पर कुछ दबंगों के साथ शराब के नशे में एक महिला के घर पर घुसकर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उसके साथ छीना झपटी भी की है। महिला ने बताया कि पूर्व सभासद वीरेंद्र, जो कि शराब के नशे में धुत था, अपने साथ कुछ दबंगों के साथ अचानक उसके घर में परिजनों की गैर मौजूदगी में घुस आया और गाली गलौज करने लगा। पीड़ित महिला के शोर मचाने पर पड़ोसी जगने लगे तो पूर्व सभासद मौका पाकर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आपको बता दें कि दबंगों की तरफ से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। हालांकि जब आसपास के लोग जगने लगे तो उसके बाद आरोपी फरार हो गया। तो शराब के नशे में ये मारपीट का पूरा मामला सामने आया है। स्वच्छता की नई सोच को नया मोड़ देने के लिए रुड़की के एक समाजसेवी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले नए तरीके से जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। समाजसेवी संजय ठाकुर ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वास्थ्य किट देकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम किया, साथ ही बच्चों को साफ सफाई के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। हरिद्वार में 2 दिन से धूप ना के बराबर निकल रही है, जिसके चलते ठंड का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हरिद्वार में जगह जगह लोग अलाव जलाकर आग सेकते दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ठंड के और भी ज़्यादा बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से उम्मीद की गुहार लगाई है कि लोगों का कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार में दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं, ऐसी बढ़ती ठंड में प्रशासन को सर्दी से बचाने के लिए जगह जगह लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनके साथ साथ स्थानीय लोगों को सर्दी से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले को लेकर के, ठंड को लेकर के, वो जा सुनते हैं। मैंने कहा कि अलाव की व्यवस्था करें, वहां पर अगर
कोई रैन बसेरे हैं तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की ओर से वहाँ पर करें। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।